आप सभी को गणेश चतुर्थी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सब पर कृपा करें। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मॉर्निंग में मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और उड़द दाल की नमकीन बेड़ में पूड़ियाँ। तो ये दाल हमने रात को भिगो दी थी, इसे अभी पीस लेंगे, आटे में मिक्स करेंगे और बस मसाले डालकर इस आटे को अच्छा सा कड़ा गूँद लेंगे और बना लेंगे गर्म गर्म पूड़ियाँ। तो दरदरा से इसको पीसते हैं और फिर इसमें आटे में आप जो भी मसाले डालना चाहें तो वो डाल दीजिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हैं हम लोग डीडी मॉल, कॉलेज के डीडी मॉल में, और हम लोग आए हैं आज मूवी देखने, स्त्री 2। तो सुना है काफ़ी अच्छी है, तो सोचा चलो घूम आते हैं। और गर्मी है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आपको पता नहीं आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं। तो बस नाश्ता करके हम लोग निकल आए थे यहाँ मूवी देखने के लिए, और ये गणेश चतुर्थी से पहले का वीडियो है तो इस वजह से मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ, कर नहीं पाई थी किसी कारण से, तो मैंने सोचा अभी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब मतलब मॉर्निंग है तो आफ्टरनून 1 o'clock का हमारा शो था, लेकिन हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए थे तो भी अभी पूरी तरह से शॉप नहीं खुली हुई है। और ये है ग्वालियर का डीडी मॉल, तो अभी हम लोग 3rd या 4th फ्लोर पर हैं शायद। तो बस यहाँ पे मम्मी भी आई है साथ में, तो अभी हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं, टाइम स्पेंड करना था तो हमने सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा घूम लेते हैं। लेकिन पूरी शॉप्स ही नहीं खुले थे तो हम कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाया जाता, घूम भी नहीं पाए, और बार बार फिर सोच रहे थे कि कैसे मतलब जाएंगे नीचे। तो लिफ्ट से नहीं आई थी मैं, आप देख सकते कितना पसीना मुझे आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम लोग लिफ्ट से नहीं आए थे। तो अब हमारी एंट्री हो रही गई है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में ज़्यादा पहले से एंट्री नहीं देते, वो उसी समय स्कैन करते हैं 15 या 20 मिनट पहले ही। तो मुझे लग रहा था कि इस मूवी को देखने के लिए बहुत बच्चे शायद नहीं आए होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे भी थे। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा मुस्तका आंखों से लीजिए, आज की रात मजा तो मूवी देख के बाहर निकल के हमने सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। तो अभी हम आए हैं KFC में और यहाँ पे हमने अपना मील ऑर्डर कर दिया है। तो गणेश चतुर्थी से पहले का ये वीडियो, इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं नॉनवेज खा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, गणपति जी के दिनों में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। इवन गणपति जी से लेकर अब दशहरे के बाद ही हम लोग कुछ खाएँगे, नॉनवेज में तो खाएँगे, अदरवाइज़ इतने दिनों हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं, बिल्कुल भी मतलब नहीं खाते। तो ये देखिए अभी मैं और मेरे हस्बैंड कैसे कदम ताल करते हुए जा रहे हैं मॉल के बाहर, तो बस चलते हैं घर पे। तो मैं आज ना लेटे लेटे ही बात कर रही हूँ आपसे, थक गए हम लोग और डिनर विनर कर लिया है और लेट गई हूँ मैं। तो मूवी देख के आए हम लोग और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये मूवी, काफ़ी टाइम के बाद इतनी अच्छी कोई मूवी लगी मुझे, जो कि थिएटर में देखने गए हम लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम से इतनी अच्छी कोई मूवी आ नहीं रही है जिसको कि थिएटर में देखने के लिए जाया जाए। और कल की आई थी तो सोचा था, लेकिन फिर मैं वो वाली भी नहीं जा पाई थी किसी रीज़न से, लेकिन ये वाली फिल्म का मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी अच्छी होगी। पहले मैं नहीं जाने वाली थी क्योंकि स्त्री 1 जो थी वो इतनी ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई थी मुझे, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी है और कॉमेडी बहुत मज़ेदार है इसमें, तो एक बार आप लोग ज़रूर देखने जाइएगा। और
मुझे ना आजकल नींद बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से ना उसमें कुछ टैबलेट ऐसी हैं जिससे कि ना मुझे बहुत नींद आती है। मतलब मैं उसको इवनिंग में लेती हूँ तो सुबह 10-11 बजे तक मुझे आलस ही रहता है। मतलब इतनी जल्दी नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। तो मेरे यहाँ नेल में कुछ ना फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लंबे टाइम तक उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और वो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जिससे मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरे नेल्स टूट रहे हैं बार बार और बहुत उसमें पेन भी हो रहा है। तो पता नहीं वो किस वजह से हुआ, लेकिन अभी उसकी दवाई मैं ले रही हूँ। तो बस मैंने दवाई ले ली है, डिनर कर लिया है, तो मैं सोने जा रही हूँ। और मूवी आप लोग देखने ज़रूर जाइएगा, तो बहुत ही मज़ेदार मूवी है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।